हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एक बात और बता दूँ, आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम यानी साउंड प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाए कि आउट ऑफ स्टेशन होने के बावजूद भी आप लोग के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे कहां पर है कौन सा स्थल, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स से देना है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस शहर को बोला जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आप लोग को इसी वीडियो के बीच में या आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले या किस शहर को बोला जाता है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है सभी लोगों को। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले देखने वाले हैं आप लोग को पर्यटन स्थल का नाम और दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जैसे पर्यटन स्थल का जगह का नाम है, स्थल का नाम भोपाल। भोपाल में कौन कौन से दार्शनिक स्थल हैं, भारत भवन, मानव संग्रहालय और वन विहार। आप लोग चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्टैटिक GK है, कभी नहीं बदलने वाला है। भारत भवन भोपाल में बहुत बार एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में तो भारत भवन बहुत बार पूछा गया कि भारत भवन कहां पर स्थित है। आप लोग के सामने ऑप्शन रहता है नई दिल्ली, भोपाल, जबलपुर, सागर, ऐसे ऑप्शन रहता है आप लोग के स्टेट में। ठीक है, तो आप लोग याद करना भारत भवन जो है भोपाल में स्थित है, मानव संग्रहालय और वन विहार भी भोपाल में स्थित है। अगला देख लेते हैं, अगला जो है कलियादेह। कलियादेह कहाँ पे है, उज्जैन में। ये बृहतहरि की गुफाएं हैं, जो कलियादेह उज्जैन है ये बृहतहरि की गुफाएं हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कलियादेह कहाँ पर स्थित है, ये उज्जैन में स्थित है, जो है बृहतहरि की गुफाएं हैं। अगला है उज्जैन शहर, उज्जैन में कौन कौन सी है, महाकालेश्वर मंदिर और जंतर मंतर। ठीक है, आप लोग याद रखना है महाकालेश्वर मंदिर जो फेमस है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। महाकालेश्वर, जंतर मंतर और अनूपपुर, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के दे देते हैं। अनूपपुर में अमरकंटक नर्मदा का नदी का जो है उद्गम स्थल भी अमरकंटक को ही माना जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो अमरकंटक नर्मदा नदी पर एक भेड़ाघाट, जो धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जिसको भेड़ाघाट के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग बताइए यह किस जिले में स्थित है, यानी जो भेड़ाघाट जलप्रपात है धुआंधार, यह किस जिले में स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला सवाल है खंडवा। खंडवा में देख लेते हैं, खंडवा में क्या क्या है, ओंकारेश्वर मंदिर, दादाजी दरबार जो है ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला देख लेते हैं चित्रकूट। चित्रकूट में पौराणिक स्थल है, क्या है, पौराणिक स्थल। अगला है सांची। सांची बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अगला शहर है महेश्वर। महेश्वर में भव्य मंदिर घाट है, इसलिए महेश्वर भी प्रसिद्ध है। अगला है खजुराहो। खजुराहो शिल्प कला की युक्त मंदिर है, कौन है, शिल्प कला की युक्त मंदिर स्थित है। अगला है मैहर। मैहर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। मैहर में माँ शारदा का मंदिर बहुत ही फेमस है, कितने लोग इस माँ शारदा का मंदिर दर्शन कर लिए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग बताइए आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी किस जिले के निवासी है, आप लोग साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इससे पता चलेगा आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। अगला है बावन गजा, जिसको बड़वानी बोला जाता है, जैन तीर्थ स्थल, भगवान आदिनाथ की विशाल मूर्ति यहीं पर है, कहाँ पर, बावन गजा बड़वानी। मुक्तागिरी बैतूल यहाँ पे जैन तीर्थ स्थल है। जबलपुर धुआंधार जलप्रपात है। देखो आप लोग का आंसर ही मिल गया, आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया कि धुआंधार जलप्रपात जिसको भेड़ाघाट भी बोला जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। शहडोल, शहडोल में कपिलधारा जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर ही स्थित है, शहडोल में ध्यान दीजिएगा कपिलधारा जलप्रपात है, यह नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगला देखते हैं रीवा में चचाई केवटी बहुटी जलप्रपात स्थित है, बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं, चचाई केवटी बहुटी और जलप्रपात हैं।
पंचमढ़ी अगला है स्थल है। पंचमढ़ी राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है, ध्यान दीजिएगा, राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसको मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है भेड़ाघाट निकट जबलपुर, प्राकृतिक दृश्य एवं विख्यात संगमरमर की चट्टाने, ठीक है। ओमकारेश्वर ज्योतिरंग मंदिर, मंधाता मंदिर, ध्यान दीजिएगा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और मंधाता के मंदिर ओमकारेश्वर में स्थित है। अगला है मंडला, मंडला में कान्हा नेशनल पार्क है। आई होप सभी लोगों को पता है मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क जो था यही कान्हा नेशनल पार्क है जो मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला है ओरछा, राम मंदिर किला और किला यहाँ पे स्थित है। ग्वालियर किला फुलबार्ग सूर्य मंदिर ग्वालियर में स्थित है। दतिया में जो बहुत ही फेमस है ये है पीताम्बर पीठ सोनगिरी, क्या है, पीताम्बर पीठ सोनगिरी जो है दतिया में स्थित है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये है कुछ प्रमुख दार्शनिक स्थल, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातत्व स्थल, ठीक है, कि कौन से स्थल कहाँ पर क्या क्या अवस्थित है। जैसे अमरकंटक है, अमरकंटक पुष्पा राजगढ़ तहसील अनूपपुर में स्थित है। आप तहसील का नाम ही बताने वाले हैं, अमरकंटक जो है पुष्प राजगढ़ तहसील अनूपपुर में स्थित है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। अगला स्थल है चित्रकूट, झांसी मानिकपुर रेल मार्ग पर करवी स्टेशन के निकट जो है झांसी चित्रकूट स्थित है। अगला शहर है मैसूर, मैहर सतना जिले में कटनी इलाहाबाद मार्ग पर यह स्थित शहर है। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर माता रानी शारदा माता मंदिर बहुत ही फेमस है मैहर में ही, ठीक है। अगला है सांची, क्या है, सांची, सांची रायसेन जिले में झांसी इटारसी रेल मार्ग पर स्थित है, मुक्तागिरी बैतूल में स्थित है। उज्जैन जो है छिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन है, छिप्रा नदी कहाँ से निकलती है कमेंट सेक्शन में लिखिए, छिप्रा नदी जो है कहाँ से निकलती है कमेंट सेक्शन में लिखना है, छिप्रा नदी, ठीक है। उज्जैन शहर इसी के नदी किनारे पर बसा हुआ है। ओंकारेश्वर खंडवा से 78 तथा इंदौर से 71 किलोमीटर दूर नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर बसा हुआ है, ठीक है। अगला शहर है जो है बावन गजा, बड़वानी से 10 किलोमीटर दूर बावन गजा पहाड़ियों पर ही यह शहर बसा हुआ है। भरहूत, भरहूत स्तूप बहुत ही फेमस है, सतना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पुष्पागिरी देवास में, महेश्वर खरगोन में और पावगिरी ऊन जो है ये इंदौर में स्थित है, ठीक है। अगला है भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है, मांडू जो है धार में स्थित है, पीताम्बर पीठ दतिया के समीप है, गोमतगिरी इंदौर के समीप है और सोनगिरी जो है यह दतिया के समीप है, आप लोग को याद रखना है, फटाफट आप लोग को रिविजन करने ला है। सोनगिरी जो दतिया के समीप, चंदेरी अशोकनगर पंचमढ़ी होशंगाबाद नोहटा बिना कटनी रेल मार्ग पर है और खजुराहो जो है यह छतरपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोग एग्जाम में दार्शनिक स्थल पुरातत्व तो स्थल जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है और किस लिए फेमस है, ठीक है, आप लोग को इनको याद रखना है। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा, आप लोग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी।